और वैसे भी कालुल हसन बड़ा पक्का काम करता है। शुशु वाली सरकार पकड़ी की ना, हम उसका डिस्कस कर रहे हैं। मैं ये बताना है कि आप किस ईयर में पैदा हुए हैं और ये जो इस मौसम में रोजी आए हैं, जैसे मेरा अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सभी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो भाई आज थी 12th ऑफ रमादान, तो बस हम लोग सहरी के लिए उठे थे और ये सहरी वगैरह तैयार थी, चाय वगैरह उबल रही थी। तो बताएं कैसे जा रहे हैं आप लोगों के रोज़े? हम लोगों के तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, बस थोड़ी सी गर्मियाँ आ गई हैं और ये बस मैं सहरी के लिए बैठ गई थी। और इसके बाद जी मैंने कैमरा सेट किया कप के साथ, क्योंकि होल्डर बहुत ज़्यादा दूर था, तो मैंने सोचा इसी के साथ सेट कर लूँ। तो बस सैरी वगैरह कर रही थी, बच्चे मेरे सो रहे थे और दो दिन मुझे बहुत ज़्यादा काम थे, जिसकी वजह से मैं दो दिन वीलॉग नहीं दे सकी और आज 12th और 13th रमज़ान का साथ ही दे रही हूँ। तो बस इसके बाद तहज्जुद का टाइम था, तो फिर मैंने तहज्जुद पढ़ी, इसके बाद कुरान पाक पढ़ा, फिर फजर की नमाज़ पढ़ी और बस फिर सो गए और अब मिलते हैं सुबह। तो गाइज अब अगला दिन हो गया और आज 12th ऑफ रमज़ान है और अफ्तारी से 2 घंटे पहले 4 बजे। बाकी आजकल हमें बहुत सारे काम है, मैंने अपने सर्दियों के कपड़े रखने हैं और गर्मियों के निकालने भी हैं, वो भी काम है आज ही। बाकी मम्मा जो है वो चिकन वगैरह काट रही हैं। आज हम लोग चाइनीज़ बनाने लगे हैं, मंचूरियन और नूडल्स, साथ ही साथ फुलकियाँ बन रही हैं और अभी फ्रूट चाट बनी थी। और लाइट अच्छी से भी आई हुई, ये वाला हमारा बल्ब लग गया इसलिए मुझे वाली लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मैं अभी दिखाती हूँ मम्मा क्या कर रही है। मम्मा चिकन काट रही हैं और ये बस फुलकियाँ डालने लगी हैं। ये देखें घर का हाल, देखें हमारे, ये देखें ये कपड़े सारे, और बच्चों ने वो अलग हाल किया हुआ है। ये जब से जानवर निकले हमारा घर फैला ही रहता है, ऊपर से कपड़े निकलने हैं, अलमारियाँ खाली होनी है। तो गाइस हम लोगों ने शिमला मिर्च काट ली है और लाइट के लगने से बहुत फ़ायदा हुआ है हमें, वरना अंधेरा अंधेरा लगता था। अब वो वाली लाइट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। और मम्मा मंचूरियन के चिकन का कर रही हैं और मैं वेजिटेबल्स का कर रही हूँ, बस प्याज कटना रह गई है। और साथ हम बनाएंगे नूडल्स, दही फुलकियाँ मम्मा ने बना ली और बस फ्रूट चाट बनी है। और आज मैंने वैसे सोचा है कि भाई आज हम सहरी जो है ना हम बाहर करेंगे। नहीं मम्मा क्या कहती हैं, मम्मा कैसे काटना है? Few moments later. और ये जी मैं और मम्मा इसको देख रहे थे और हम चूल्हा भी बंद कर रहे थे, लेकिन चूल्हा बंद ही नहीं हुआ। हम दोनों कोशिश कर रहे थे अलग अलग चूल्हों के वो बंद करने की, लेकिन फिर भी देखें सारा दूध जो था ना आज गिर गया। जितने हमें काम थे ना आज, हमारा काम उतना बढ़ता ही जा रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने पहली फुर्सत में इसको साफ़ किया। और ये गाइस हमने चूल्हा साफ़ कर लिया है, ये मम्मा ये वाला चूल्हा बंद कर रही थी और मैं ये वाला चूल्हा बंद कर दिया, बच्चों की वजह से हमने निकाले, क्योंकि बच्चे जो है ना गैस ऑन कर देते हैं। तो लेकिन पता नहीं ना ये बंद हुआ ना ये बंद हुआ और हमारा घर का दूध जो है ना वो बंद गया है ना। तो गाइस ये स्पेगेटी जो है बॉयल हो रही है, ये देखें जी हमारा मंचूरियन रेडी है। चलो भाई घर तो ठंडा हो जाएगा, अभी नहीं खाना, बहुत देर टाइम है। तो गाइस आज इफ्तारी में हम लोगों ने दही फुलकियाँ, फ्रूट चाट बस, और जूस बनाया। और क्या खाना है हमने आज खाने में, मंचूरियन और स्पेगेटी, और बाकी हमने सोचा फ्राइड राइस बाहर से मंगा लेंगे। बाकी ये सैंपल देखें, इसका सोना चेक करें। तो बस अब मैं असर की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ क्योंकि लेट हो गई हूँ, असर और टाइम निकल जाओ। ये मेरे बच्चे मेरे ठंडी गर्मियाँ को ज़्यादा याद हैं। फैल जो है वो चले गए हैं अफ्तारी पे अपने दोस्त की तरफ, और मेरी मकान है, मेरी बैटरी डाउन हो रही है। बल जिसके बाद मैंने असर की नमाज़ जो थी वो पढ़ी, उसके बाद मैंने और पापा ने मिलके जो थी अफ्तारी की चीज़ें वगैरह रखनी थी, चटाई वगैरह बिठाई, प्लेटें शलेटें रखी और पापा बैठ गए हैं और ये लोग भी पापा के साथ जो है ना वो बैठ गए। आज हम लोग बहुत स्लो हुए हैं, ये ऊंचे रखे हैं ग्लास,
पापा इग्नोर, स्लो हम इसलिए हुए हैं, आज कुछ करने को भी नहीं है और समझ भी नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज और कल का व्लॉग जो है उसको मिक्स किया जाए, क्योंकि आज को ऐसा कुछ था भी नहीं और थोड़े मसरूफ़ भी हैं और मैंने कपड़ों का भी करना है, तो बस आज और कल का व्लॉग मिक्स करके फिर इंशाल्लाह ताला कल अपलोड करूँगी। आज तो मुझे लग रहा मुश्किल है। तो गाइस जिसने मेरे पिछले व्लॉग नहीं देखे हों जाके देख लें, और ऐसे ऐसे रोज़ा लगे ना कि शुरू में बिल्कुल नहीं लग रहा था, अब जैसे जैसे गर्मी आ रही है वैसे वैसे रोज़ा भी ऐसा लग रहा है लग रहा है। और आप लोग बताएं आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। और फैस चले गए, बहुत स्पीड है उनकी, यूँ निकले यूँ, मैंने उन्हें कहा बात सुन के जाएगा लेकिन फिर भी निकल गए। क्या बात है, मैं क्या बोली जा रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता, बस बोली जा रही हूँ और वीडियो बनी जा रही है। तो गाइस आज फैस नहीं है, और ये मेरा भाई कह रहा कैमरा ना है मेरी तरफ, कहाँ आ रहा कैमरा बताएं, नहीं आ रहा ना। और ये मेरा बेटा इसे ये सिर्फ जूस पीने बैठा, और वो मेरा दूसरा बेटा वो पता नहीं मुंह में बैठा है, बोल गया और बस रोज़ा होने वाला बिल्कुल करेंगे रोज़ा अवतार 12th रोज़ा अलहमदुल्ला। नेक्स्ट डे हो गया और 13th ऑफ रमज़ान है, और मैं ये गर्मियों के कपड़े निकाल रही थी और सर्दियों के रख रही थी। तो भाई जो जो 90s के बच्चे हैं ना उनका तो ये जो है ना सेकंड टाइम है, मतलब जब वो पैदा हुए होंगे तो तब ठंडे मौसम में इस मौसम में रोज़े आए होंगे। तो ऑब्वियसली 29 ईयर्स 30 ईयर्स 27 ईयर्स जिनके गुजर गए हैं उनके लिए तो ये सेकेंड टाइम ही है, और कुछ होंगे जिनका ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि सर्दियों में इस तरीके से रोज़े आए हैं। तो बताएँ आप लोग किस ईयर में पैदा हुए हैं और ये आपका फ़र्स्ट टाइम है ऐसे मौसम में रोज़े आए हैं या सेकेंड टाइम है, बताएं जल्दी से कमेंट सेक्शन में। तो गाइस जैसे कि आपको पता चली गया कि अगला दिन है और आज 13th ऑफ रमज़ान है, और बस ये अभी भी कपड़े जो है ना ये हुए नहीं हैं बच्चों के, हुए हैं क्योंकि बच्चों के बहुत ज़्यादा थे बहुत ज़्यादा, तो बस वो सारे अलग किए, फिर गर्मियों वाले भी थोड़े से अलग करने थे वो भी अलग किए, फिर बच्चों को ये देखें उनको शावर वगैरह दिलाया है ना, ये डायनासोर है इसका ड्रैगन है ड्रैगन भाई, इनको शावर वगैरह दिलाया, फिर जहू को शावर दिलाया, फिर अभी मैं खुद फ्रेश हुई हूँ और आज मेरी असर की नमाज़ भी रहेगी, अब मुझे उसको इशा के साथ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कामों में पता ही नहीं चलो, जब मैंने टाइम देखा तो 5:30 हो गए थे और टाइम नहीं था नमाज का। खैर कोई बात नहीं, अब उसको मैं कर लूँगी इशा के साथ पढ़ लूँगी, रज़ा करके अब क्या कर सकते हैं। बाकी जी अब शाम को अपने कपड़ों का करूँगी, और चलें अब अफ्तारी का टाइम होने वाला है, फिर 10 मिनट्स रह गए हैं तो अब अफ्तारी वगैरह करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी तक सिर्फ क्या है। देखिए बच्चों के अभी भी बस ही मैंने ऐसे रखे हैं, इसको स्ट्रीप वगैरह करके रखूँगी क्योंकि गर्मियों के इतने नहीं होते, जल्दी जल्दी प्रेस हो जाते हैं ये, और ये बेचारे मज़हूक की बस अभी ये काम हुआ, अभी मेरा रहता है सारे का सारा। तो भाई ये जहूक साहब, जहूक इधर देखो, इधर देखो जहूक साहब तैयार, ये मताब साहब तैयार, और ये अफ्तारी भी हमारी लग गई है, बस अब बैठते हैं और अफ्तारी करते हैं। तो गाइस सिनेमैटिक में वीडियो बहुत अच्छी बनती है, तो मैं वैसे फ्रंट कैमरा से बनाती हूँ, बैक के बहुत अच्छी बनती है, लेकिन वहाँ बस एक मसला है कि ना ये बस वो 0.5 के एंगल पे नहीं जाता, तो बस इस वजह से ना थोड़ा सा इसमें मुझे बनाते हुए दिक्कत पेश आती है, वो बहुत चेहरे ऐसे करीब करीब आते हैं, लेकिन मैं सोचूँ बैक कैमरा की ना रिकॉर्डिंग सिनेमैटिक से करूँ। भाई देखिए पता भी नहीं चला और आज हो गए हैं, कौन सा रोज़ है पापा, 13th ऑफ रमज़ान हो गए हैं, और कितने रह गए, 17 रोज़े रह गए ना, 16-17 रोज़े रह गए, मतलब आपके हाथ नहीं बेटे कैमरा ले, 16-17 रोज़े रह गए, ये भी पता नहीं चलेगा, ये महीना गुजरा तो गए क्या जाने है ना, सिर्फ क्या है, ट्यूजडे इज मंडे नहीं है, आज सैटरडे है, क्या है, आज सैटरडे है। अरे मेरे बेटे का रोजा खुल गया, मत जहु इधर आओ। हाँ मम्मा मैंने उसकी वीडियो देखी, वो जो जब ना वो उसको कर रहा ना, क्या नाम है उसका जिसने पकड़ा है मूवी, उसका क्या नाम है मैं भूल गया, इकरारुल हसन ने, वो ना उसको गले लग लग के कर रहा जैसे उसको कर यू यू कर रहा, कितनी आती आ रही, मैंने कहा इस पे कोई नहीं आया था, इस... तो उसने सारी सीक्रेट वीडियो
मैंने कहा इसको पे कोई फूकी ना मार दे कोई, कुछ नहीं आता। वो वैसे भी इकरारुल हसन बड़ा पक्का काम करता है। शुशु वाली सरकार पकड़ी थी ना, हम उसका डिस्कस कर रहे हैं ना भाई। पता नहीं लोग कैसे बिलीव कर लेते थे। खैर इट्स ओके, ये गंदा ही गंदी बात हो। और इकरारुल हसन तो फिर इकरारुल हसन है ना, तो सही फिर पकड़ा। और ये बहुत गंदा बेबी है, ये गंदा है, इसके सारे ट्वाइस हम रख देंगे। सबसे कम जो है इसके सारे ट्वाइस में रख देंगे। ये सोई की तरफ भी नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, रुहान की तरफ भी नहीं जाएगा। अब दो मिनट रह गए तो अफ्तारी करते हैं। वीडियो का एंड करने लगी हूँ और अभी भी सो को सुला कर आई हूँ, आधी एडिटिंग उसको सुलाते हुए की, फिर आके वॉइस ओवर दिया और अब वीडियो को एंड यहाँ पे करने लगी हूँ। बाकी जी अभी मैं वीडियो की एडिटिंग करते हुए देख रही थी कि शुरू से वीडियो थोड़ा सा स्लो इसलिए गया क्योंकि कल मुझे बहुत सारे काम थे, काम आज भी बहुत थे लेकिन कल ना तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी और मुझे थोड़ा कपड़ों से है भी, मुझे ना दो चार वो काम करने के बाद भी दो चार दिन ना सर में दर्द और अजीब तबीयत रहती है मुझे, माइग्रेन सा हो जाता है। तो खैर अब ये कि थोड़े से काम हमारे वाइंड अप हो जाएंगे ना, तो फिर थोड़ी सी फिर वही टाइम मेरा सेट हो जाएगा। बाकी जी उम्मीद है कि आज का भी लोग अच्छा लगा होगा। और अभी आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है, एक मिनट मेरा बच्चा आवाज़ हल्की नहीं करता बेटे, एक मिनट अभी कर लेना, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ फिर कर लेना। तो जी आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आप किस ईयर में पैदा हुए हैं और ये जो इस मौसम में रोज़े आए हैं, जैसे मेरा है कि जब मैं पैदा हुई थी 1 ईयर 2 ईयर्स की होंगे 3 ईयर्स की, तो इस मौसम में रोज़े आए थे मुझे याद है, इतनी मेमोरी है मेरी, याद है मुझे कि थे और फैंस भी नहीं चल रहे थे। और या सेकेंड टाइम है आप लोगों का या फर्स्ट टाइम है कि इस मौसम में रोज़े आ रहे हैं, या शुरू से आपने गर्मियों में ही रोज़े देखे ज़रूर बताइएगा। बाकी जैसे जैसे मेरे बच्चे अब आज से 32 साल बाद टाइम रोज़े आएंगे, 32 ईयर्स का सर्कल होता है, तो अब मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे कितनी कितनी उम्रों के हो जाएंगे, 35, 35, 37 ईयर्स के, तब जाकर इस मौसम में रोज़े आएंगे। तो चलें जी आज के वीलॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और उम्मीद है कि आज का वीलॉग अच्छा लगा होगा और टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, मिलेंगे कल वाले वीलॉग में और आगे एक दो वीलॉग में रौनक को भी देखेंगे क्योंकि उसकी तरफ इफ्तारी है, फिर उसने हमारी तरफ आने फिर रुकेगी भी तो देखेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में, अल्लाह हाफिज़।